घर के अलावा पहली बार ये बाहर आए बच्चे, हमेशा पार्किंग में या घर के अंदर ही रहते हैं बच्चे। रॉक्सी को कार में बिठा दिया ताकि बच्चे दूर ना भागे, रॉक्सी के आसपास में ही रहे। और ये देखो कैसे परेशान कर रहे हैं कालू को। राधा ऊपर चढ़ी हुई और बबलू है, और ये रहा पांडा जो अभी आया। इतना खुश हुए हैं, नई नई गंध मिल रही है ना इनको बाहर, इसलिए यहाँ सूंघ रहे वहाँ सूंघ रहे, सुसू पॉटी सब जगह कर रहे हैं। गदेड़ी देखो कैसे बैठी है अंदर। कालू को परेशान मत करो, तुम दोनों घूमो ना फिरो ना यार, ऐसे बैठी है मेरा बेटू। देखो पांडा बार बार जा रहा है और वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, वापस आ रहा है। और राधा अभी तक इसके ऊपर ही चढ़ी हुई है। कालू कुछ नहीं कर रहा है जबकि ना दूसरे डॉग को देखकर इतना भौंकता है। इसको पता है कि रॉक्सी के बच्चे हैं ये सब। पांडा और बबलू को तो मैंने डाल दिया घर के अंदर, राधा और रॉक्सी बाहर खेल रहे मस्ती से। राधा इतनी समझदार है, मैं भी जैसे यहाँ नीचे बैठा और बोला राधा आजा, ऐसे भागकर आई मेरे पास, ऐसी इतनी समझदार इंटेलिजेंट है, पूरी रॉक्सी के ऊपर गई है समझदारी में। तेरे भाई को भी कुछ सिखा दे रहे बदमाश। और ये कालू और रॉक्सी, बबलू देखो वहां से चिल्ला रहा है और बोल रहा है कि मुझे भी बाहर आना है, राधा की तरह खेलना है बाहर। राधा चाहती है कि मैं कालू की सवारी करूं। पागल कहीं।